एक्ट्रेस तापसी पन्नू के नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऑपोजिट काम करने से इनकार करने के बाद जमकर कंट्रोवर्सी हुई थी। हर कोई गेस करने में लगा हुआ था कि आखिर किस वजह से तापसी ने नवाज के ऑपोजिट फिल्म करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में हमने रिएक्शन लिया डायरेक्टली तापसी से और पूछा, क्या सच में उन्होंने नवाज के ऑपोजिट फिल्म करने से इनकार कर दिया था? See, there's so many films that are come away, you know, and it's ethically wrong for me to go out and say I said no to this, I said yes to this without even it happening. So that's ethically wrong. First of all, I'll never do that only. That I'll go out and tell people which films I've refused. Now, on the other hand, never has it been because of an co-actor. Okay. So it will never be because of that. Mm-hmm. And if you ask me, whatever little I know about that script, Nawaz sir is perfect for that role. Mm-hmm. It will be wrong for anyone else to do that role, actually. Mm-hmm. So there's no way that that is a reason. And I think your reason was my reason was not that for sure. Okay. Can be anything else, which mm-hmm. I wouldn't want to really talk about. Mm-hmm. But that was definitely not the reason. Has never been the reason. Well, सुना आपने, तापसी का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार तो जरूर किया था, लेकिन उसकी वजह नवाज नहीं है और जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को इनकार किया था उस बारे में वो बात नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, तापसी के बयान से अब ये क्लियर हो चुका है कि उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ नवाज की वजह से नहीं छोड़ा है। वैसे यहाँ तापसी से हमने ये भी पूछा कि उन्हें जिस तरह से अब एक्शन फिल्म्स के ऑफर्स मिल रहे हैं, क्या वो टाइपकास्ट फील करने लगी हैं? इस इंडस्ट्री में ना, पहली बात तो फॉर एन आउटसाइडर टू हैव एनी इमेज इज अ बिग थिंग। मतलब कोई इमेज की खातिर, इमेज बनाने की खातिर ही लोग कितना कुछ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कि चाहे वो पीआर के तरीके से हो, चाहे वो काम जो भी फिल्म्स करनी है उसके तरीके से हो। सो फॉर मी, फॉर बीइंग एन आउटसाइडर, मेरी कोई इमेज है वो, और अगर इस तरह की या इस तरह की स्ट्रॉन्ग इमेज है, आई एम ब्लेस्ड। मतलब वो भी ऐसी जिसके लिए मुझे कुछ एक्टिंग करने की जरूरत ना पड़े ऑफ कैमरा। आई एम जेन्युइनली ऑल हार्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक। So thank God my audience feels that. Thank God the media people are in sync with me, that they also feel that I do justice to these kind of parts. So I am very happy I have that image. अब कहाँ जहाँ तक ये बात सवाल उठता है कि मेरे को कितनी help करेगी image, I think the fact के लोग मेरे से relate करते हैं, मेरी audience मेरे से relate करती है, और मेरे को अभी तक मतलब कुछ ही सालों में उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट और करके यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आप सब इस टाइम पे एक शॉर्ट फिल्म देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आई थिंक इट इज़ रियली वर्किंग वेल फॉर मी, और आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इट। आई हैव नो इश्यूज विद दिस काइंड ऑफ एन इमेज। आई वुड रादर यूज़ इट टू माई एडवांटेज इन द फ्यूचर, क्योंकि यही एक्चुअली मैं हूँ। मुझे इसके लिए एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है इस तरह की इमेज शो करने के लिए। साफ है तापसी का मानना है, अगर ऑडियंसेस उन्हें एक एक्शन फिल्म करने वाली हीरोइन मानती हैं, तो ये उनके लिए है प्राउड की बात। आखिर इंडस्ट्री में बहुत ही कम एक्टर्स को मिल पाती है इस तरह की पहचान। फॉर निकिता वधावन, जूम, मुंबई।